वकील था उसने घर पर महफिल सजाई और जो वकील कन्नर लोग होते हैं ना वो कोई इस तरह नहीं हम जाते कि दफ्तर होते कि हम तो स्टेज सजाएंगे बड़े वकीलों को बुलाएंगे डॉक्टरों को बुलाएंगे वो क्या करेंगे वो इसी स्टेज पर बैठेंगे और क्या करता है वो इंसान वो शख्स उसने वो से आजम की महफिल सजाई आने वालों ने पूछा कि ऐ फला बंदे तूने महफिल किस नाम की सजाई है उसने कहा आज इसमें वो से आजम ने आना है आज इसमें वो से आजम ने आना है इसलिए मैंने इतना बजमा बनवाया इतने स्टेज बनवाए क्योंकि वो से आजम ने आना है तो स्टेज पर आकर वो एक मामूली सा गरीब सा शख्स आकर बैठ जाता है उसके दिल में बड़ा अकीदा शौक जोक होता है कि आज वो से आजम ने आना है मैंने उनका जलवा रोज देखना है तो वो जिन्होंने महफिल करवाई है सजाई होती है वो बड़ा कॉर्नर आता है आते ही उसके शख्स को कहा कि तू तो आम बंदा है तू तो गरीब सा बंदा है और तुम्हारी ये बात है कि मैं तुझे स्टेज पर बिठाऊं स्टेज पर तो बड़े बड़े लोगों के आकर बैठ रहे हैं और तू जा अपने घर उस महफिल में ना बैठ अब वो गरीब सा बंदा क्या करता है अल्लाह दिलों को जानता है गरीब से बंदा क्या करता है वो जाते हैं गमजदा होकर जाता अपने घर और घर जाकर वहां बिछा कर और वो से आजम का इंतजार करता है और ताते पाते वो कहता है दिल में रोता है कि अल्लाह वाह देख उस बंदे को जी आज फला जगह पर नहीं बैठने लगा क्योंकि मैंने तो वो से आजम की इजाजत करनी थी या अल्लाह अब मेरे दिल में ये उम्मीद है कि मैं इतना अपने घर पर अकेला बैठ कर मैं नाते पढ़ता हूँ शायद वो से आजम इधर आ जाए तो क्या देखते हैं सुभान अल्लाह ये होती है दिलों की आदत और दिलों की आजीज और दिलों की तमन्ना इसके दिल में शौक होता है अल्लाह उसी को दो प्यारा और वो क्या देखता है कि जैसे नाते बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है जैसे फजर का टाइम होता है अजानें होती है वो से आजम के आने का टाइम होता है तो क्या देखते हैं सारे महफिल में जाए तो क्या वो कहते हैं आज सो जाओ ठीक कर लो निकल निकाल लो वो से आजम के आने का टाइम हो गया तो क्या देखते हैं वो जो मजदूर किनको निकाला था अपने घर पर अकेला रो रहा है ना कि खाता है सुभान अल्लाह वो से आजम के पास जाता है बुजुर्ग रो पड़ता है कहता है वो से आजम मेरे घर पर कैसे मैं मामूली समझता हूँ मैं गरीब समझता हूँ आपने तो वहाँ महफिल पर जाना था हजरत वो से आजम आजम कादिर जिलानी फरमाते हैं इंसान उन्होंने तेरा दिल दिखाया है लेकिन मैं तेरा दिल दिखाने वाला नहीं हूँ मैंने सब सबसे पहले आपकी महफिल कबूल की थी क्यों उन्होंने बड़े से बड़े से कहकर तुझे निकाला है इसीलिए सबसे पहले तेरे पास ही आया हूँ अब तेरी महफिल मैंने भी कबूल की और ऊपर से मदीने वाले ने भी कबूल की और अर्श वाले ने भी कबूल कर अब ये है मतलब सुभान अल्लाह ये नहीं कहते कि छोटी सी महफिल है अल्लाह छोटी सी महफिल है पता नहीं लोग आए हैं कि नहीं पता नहीं हमारी कबूल हो कि नहीं ये अल्लाह दिलों को जानता है इंशाल्लाह आज आज महफिल अल्लाह वाली बारगाह में जरूर कबूल फरमाएगा और इंशाल्लाह जिन की बातों में कहने हैं वो भी हमसे इंशाल्लाह यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे तो क्या कहते हैं
बदनाम।